कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। 4 साल पूर्व मेरठ के अंदावली गांव में हुए अनुज शर्मा हत्याकांड में अदालत ने विनीत को दोषी पाते हुए अर्थ दंड के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस मामले की पैरवी कर रहे अनुज शर्मा के पिता ओंकार शर्मा ने कहा कि इस हत्याकांड के बाद उनके घर में आज तक कोई त्यौहार नहीं मना है। पुलिस ने उन्हें पूर्ण सुरक्षा दे रखी है, बावजूद इसके उन्हें व उनके परिजनों को जान का खतरा बराबर बना हुआ है। गाँव में अपनी जाति का अकेला परिवार होने के कारण भी पीड़ित पक्ष में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। इस मामले की कोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रूपचंद शर्मा ने कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की फर्स्ट बाइट डॉट टीवी को यह जानकारी दी। पहले आप परिचय दे दीजिए और कौन से केस के अंदर किस लड़के को सजा हुई है, क्या पूरा मामला था इसका या कौन से शंका है? देखिए, मेरा नाम है एडवोकेट रूपचंद शर्मा, मैं यहाँ पर मेरठ में वकालत करता हूँ। और ये जो है ये 2020 में जो अपराधी विनीत है, इसने अनुज शर्मा को घर के अंदर घुस के गोली मारी थी, जहां इनके पिताजी भी थे। इनको भी जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो तमंचे से गोली मारते हुए हटाते हुए चला गया था। उसकी FIR लिखाई गई थी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, आरोप पत्र लगने के बाद, ये सत्र न्यायालय में 4 में चला था, जिसमें माननीय दिनांक 5/6/24 को माननीय मोहम्मद बाबर खान अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 मेरठ द्वारा मृतक अनुज शर्मा पुत्र ओमकार शर्मा निवासी ग्राम अंदावली को गोली मारने के आरोप में अभियुक्त विनीत पुत्र मनोज निवासी अंदावली थाना इंचोली मेरठ को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये का अर्थदंड, इसी तरह से 452 के लिए 5 वर्ष का सजा और 5,000 का अर्थदंड, 506 के लिए जो गाली गलौज की गई थी इनके साथ उसके लिए भी 5 साल की सजा और 5,000 का अर्थदंड दिया गया है। इसके साथ साथ जो हथियार प्रयोग किए गए उसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत 3 साल का की सजा वह 5,000 का अर्थदंड दिया है और 27 के अंदर जिसमें आपने यूज किया मारा है उसके लिए 5 साल की सजा और 5,000 का अर्थदंड दिया है। कल ये आदेश होने के बाद उनको अभी जेल में सजा काटने के लिए भेज दिया गया है। मैंने और जो हमारे मेरा मैंने और सहायक अधिवक्ता श्री वैभव कुमार सिंह ने इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से पैरवी की थी और जिसमें जो है ये सजा दी गई है, जिसमें आजीवन कारावास जो एक बड़ी सजा है जो दी जा सकती है। अच्छा, विनीत का कोई आपराधिक इतिहास था पहले से? हाँ, उनका पहले भी आपराधिक इतिहास है, उनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, डिटेल्स तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा लेकिन कई मुकदमे, और उनके भाई भी बल्लम भी है, उनका भी आपराधिक इतिहास है। उनके एक और भाई हैं जिनका भी शायद गुजरात में कुछ हुआ था, उसके डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है लेकिन उनको पकड़ के लिए उनका भी है। ये पूरा परिवार ही माफिया टाइप का है और ये जो है ये इनका जो पीड़ित है ब्राह्मणों का अकेला ही परिवार है, तो ऐसे परिवार को धौंस धपटी देने के लिए इसको सिर्फ एक छोटी सी बात थी कि शादी सगाई में आया था तो सगाई में इसने शराब पी के किया तो शादी में नहीं ले गए, बस यही कि मुझे क्यों नहीं ले गए, उसी एनिमिटी से ऐसा किया गया है जो तथ्यों पर आया है। यह जो इनके पिता है उन्होंने FIR लिखाई थी, जो ओमकार शर्मा है, घर के अंदर का मामला है, शाम के टाइम का मामला है, दिन जजमेंट से आप कितने खुश हैं और आपका क्लाइंट कितना खुश है? देखिए, मैं समझता हूँ कि न्याय प्रक्रिया के द्वारा जो किया जा सकता था मैक्सिमम ये दंड दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा क्लाइंट भी बहुत खुश थे कि आखिर में मेरे बच्चे को न्याय मिल गया। और एक बात और बता दूँ, ये बच्चे का जिसका मृतक है इसकी 1-1.5 महीना पहले ही शादी हुई थी,
वो भी बेचारी मतलब वो थी, तो ये उसे भी दंड न्याय मिला है, उनके परिवार को भी न्याय मिला है, और मैं समझता हूँ जो मरहूम होगा जो अनुज है वो भी आज खुश होगा कि हमारी न्याय प्रक्रिया भारत की सुदृढ़ है और उससे बचा नहीं जा सकता। मौके पर मौजूद अनुज शर्मा के पिता ओंकार शर्मा ने लगभग बिलखते हुए मीडिया को यह जानकारी दी। मौजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार शर्मा जी, ग्राम अंदावली थाना चोली। अच्छा, एक आपके बच्चे के साथ में एक केस हुआ था, मर्डर केस हुआ था, उसके अंदर जो आरोपी को आज सजा मिली है, इससे आप कहाँ तक खुश हैं और ये न्याय आपके हित में हुआ या नहीं? ये मेरे और मेरे परिवार के न्याय जीवन का एक बहुत बड़ा होता है, जिसमें हमें न्याय मिला और हमें, मुझे और मेरे परिवार को न्यायालय पे पूरा भरोसा था। कमजोरों का ही न्यायालय भरोसेमंद होता है और हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी। मेरे बच्चों ने आज तक भी कोई त्यौहार नहीं मनाया है और मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं बहुत, मुझे मेरी जान का भी खतरा है, मुझे मेरे बच्चों की जान का खतरा है। मुझे पुलिस से मिली हुई, प्रशासन ने मुझे बहुत सहयोग दिया, मेरे बच्चों को बहुत सहयोग दिया, और जो है वे बदमाश टाइप के आदमी है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, सिर्फ लड़की की उसकी मरने वाले की शादी थी, शादी में जबरदस्ती जा रहा था, उसमें हमने लेने लगे, गलत आदमी कौन शादी में ले जाएगा, बारात में कौन ले जाएगा, तो वही दुश्मना की मतलब उसे लगी हुई थी, जिससे मेरे बच्चे का शाम के टाइम घर में घुस के गोली मार दी तो तुरंत ख़त्म हो गया था। और मेरा गांव, मैं, मेरा घर अकेला ही है ब्राह्मणों का, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।